सर, आज कुठला लायकपुर गांव में एक पुतला दहन किया गया, क्या मामला है? देखिए, गांव कुठला लायकपुर ही नहीं, मारारा क्षेत्र के जितने भी क्षत्रिय समाज के गांव हैं, उन सभी गांव में हम लोग योजनाबद्ध तरीका से वीरेंद्र जो वर्तमान में विधायक है उन्हें मतदान न करने के संबंध में क्षत्रिय समाज को आगाह कर रहे हैं, और उन्होंने जो क्षत्रिय समाज का अपमान किया है, क्षत्रिय समाज का जो उत्पीड़न कराया है, वो इतना निंदनीय है कि उसका कह पाना बहुत मुश्किल है। 26 अक्टूबर को हमारे क्षत्रिय समाज की एक महिला श्रीमती बीनू, पत्नी दुष्यंत कुमार, जो कस्बा मरहची में रहती हैं, उनको कुछ नामजद लोगों ने गोली मार दी, जिनमें प्रमुखतया बंटी लोधी का नाम, जो जिला पंचायत सदस्य भी है, उसका FIR में नाम आया, और कुल मिलाकर के ये 4 लोगों के नामजद FIR थी। उस FIR में पुलिस ने जब FIR दर्ज हो गई तो 2 लोगों को पकड़ा, तो वीरेंद्र लोधी विधायक होने के नाते उस बंटी लोधी जो था, जो 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 नेम जिसका FIR है, उसको रिश्ता निकाल लिया, और रिश्ता निकालने के बाद उन पकड़े गए लोगों को थाने से ये लोग राजनीतिक ताकत से छुड़ा लाई। आज तक उसमें कोई अपराधी फिर दोबारा से पकड़ा नहीं गया। 6 दिसंबर को उस महिला की, सॉरी 26 दिसंबर को जो गोली मारी, 26 अक्टूबर को उस महिला ने जो गोली मारी, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका एटा से लेके आगरा, आगरा से लेके जयपुर तक उनके परिजनों ने, ससुराली जनों ने, उसके माँ के पक्ष के लोगों ने, माँ बाप भाई सब ने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। 6 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। जब इसमें न्याय नहीं मिल पाया तो लोगों ने संपर्क हम लोगों से किया, क्योंकि हम क्षत्रिय समाज का नेतृत्व करते हैं, तो हम लोग एटा से पहुंचे और हमने थाना पर पुलिस से आग्रह किया, पुलिस के अधिकारियों से भी आग्रह किया कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो और इस मृतक बीनू के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि इसके परिवार को न्याय मिल सके। पुलिस ने जब कोई बात नहीं सुनी तो वहाँ उनके परिजनों ने और आसपास के इलाके के लोगों ने रोड जाम कर दिया। कई घंटों तक रोड जाम भी रहा। हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने अधिकारियों से भी कहा कि आप इसमें गिरफ्तारी करा दीजिए,